बोर्ड का टॉपिक है। हाँ ठीक है, एनसीईआरटी पेज 513 से स्टार्ट होगा ये फिजिक्स का पार्ट टू। देखो मैंने पहले बताया ये वाले चैप्टर्स में आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, ठीक है। आप एकदम अच्छे से इसको रीड करोगे, समझोगे। तो इन्होंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में थ्योरी दे रखी है, जो रियल में समझाने वाली चीजें हैं, सिर्फ वो मुझे समझानी है आपको, और बाकी तो आप समझदार हो, आप आराम से थ्योरी वरी रीड कर सकते हैं। तो सुनिए, देखिए बात इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। चलो अभी एनसीईआरटी बंद कर लो, जब मैं जो जो पेज बोलू तब तब आपको खोलना है। देखो कम्युनिकेशन, अगर मैं बात करूं ना, कम्युनिकेशन जैसे आपसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं और आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो इस वर्ड का रियल सिग्निफिकेंस क्या है? एनसीईआरटी भी बंद कर दो, एनसीईआरटी बंद कर दो, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा या जो मैं कुछ चार्ट्स होंगे वो आपको रीड करने बोलूंगा। तो कम्युनिकेशन क्या है एक्चुअली? जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना, कम्युनिकेशन अलग है। ये भी होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे या एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल तक। दिस इज बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई संदेश, कोई मैसेज, ठीक है, या कोई बात, इंफॉर्मेशन, उसका ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन समझ रहे हो? ट्रांसपोर्ट, वैसे ही ट्रांसमिशन मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल। तो आपको बेसिक डेफिनेशंस लिखने आ सकती हैं बोर्ड में, ठीक है। सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ, इट इज एक्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात समझो, एनसीईआरटी पे ध्यान मत दो, एनसीईआरटी पे ध्यान मत दो, बस इतना बताओ, अगर आपको और मुझे, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन कुछ दे रहा हूं, मुझे कम्युनिकेशन करना है आपसे, सर माला कम्युनिकेशन करता येल का, कैन आई कम्युनिकेट विथ यू, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है, के थे हमारी बात समझ पा रहे हो? तो जरूरी क्या है? कम्युनिकेशन होने के लिए लिसनर, तुम ही आओ लिसनर, मी आओ सोर्स। तो अपने को क्या आना चाहिए? वी शुड हैव अ कॉमन लैंग्वेज। चमका क्या? अगर कुछ भी कम्युनिकेशन करना है तो जो सोर्स है और जो रिसीवर है उनके बीच में क्या होना चाहिए? एक कॉमन कॉमन लैंग्वेज। नहीं चमक रहा? देर इज अ नीड फॉर कॉमन लैंग्वेज। भैया इटालियन वाले कुछ भी बोले आपको, स्पेनिश लोग कुछ भी बोले स्पेनिश में, आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। तो इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन होने के लिए कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या आप यहां तक मेरे साथ में हो? ठीक है। अच्छा अब मेन क्या हुआ पहले जमाने में? पहले जमाने में याद है क्या होता था? कम्युनिकेशन एक दूसरे से दूसरी जगह पे, याद है, संदेशा आया है, पिजन यूज करते थे राजा महाराजा ये सब लोग, दूर संदेशा, या हॉर्समैन यूज करते थे कि ये राजा ने फरमान जारी किया है, ये दूसरे राज्य में पहुंचा दो, तो हॉर्समैन, पिजन। वैसे अभी यहाँ पे कौन हो गए? पोस्टमैन हो गए। पहले जमाने में बहुत बढ़िया पोस्टमैन होते थे, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे मैंने अपना जेई का फॉर्म उस बैंक में खड़े होकर दिया था, फिर पोस्ट ऑफिस में मैंने पोस्ट किया था आईआईटी को, और जो मेरा एडमिट कार्ड था वो भी पोस्टमैन ही लेके आया था। एडमिट कार्ड है ना, पहले पोस्टमैन, आपको एड्रेस भरना पड़ता था घर का, इसकी वजह से रेजिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता था कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसी जगह है, या तो मेरा खुद का घर है या कोई अच्छे रिलेटिव है जो मेरा एडमिट कार्ड रख लेंगे, ठीक है। सो उस जमाने में पोस्टमैन होते थे। आज के जमाने में क्या होता है? एडमिट कार्ड का कोई लफड़ा ही नहीं है, एडमिट कार्ड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तुरंत आपने डाउनलोड कर लिया। तो चीजें बहुत चेंज हो गई है। तो फिर क्या होया? फिर धीरे धीरे
हॉर्समैन आया, फिर टेलीग्राम आया, ठीक है, टेलीफोन आया। अब ये जो आपकी बुक है ये कैसी बुक है? एनसीईआरटी, इट इज आउटडेटेड। ये आपकी बुक जो है आउटडेटेड है। हाँ, मेरे समय ये बुक अच्छी थी। क्यों? क्योंकि मेरे समय पे नेट था नहीं, ठीक है, नेट था भी तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई थी। ये एनसीईआरटी का चैप्टर आउटडेटेड है कुछ टर्म्स में। क्यों? क्योंकि आज हर एक बच्चे के पास फोन है, हर एक बच्चा जूम जूम यूज कर सकता, हर एक बच्चा स्काइप है, सब कुछ यूज कर सकता। आज 10 सालों में, 20 सालों में ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो बहुत आगे चल गई है, ठीक है। उसमें नॉर्मल कॉल होते थे, 2G आपने सुना होगा, 2G स्कैम हुआ था, ठीक है। 3G चला, 3G थोड़े दिन चला, अभी अपन कौन से चल रहे हैं? अभी बताओ, आप सबके पास में जो डाटा है वो कैसा है, 3G या 4G? अभी नेक्स्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट क्या लॉन्च करने वाली है? नेक्स्ट क्या लॉन्च करेगी? 5G। 5G का स्पेक्ट्रम अभी बिकेगा, अभी है ना, बोलियां लगेंगी 5G स्पेक्ट्रम की। तो ये जो कम्युनिकेशन है, और ये एकदम लेटेस्ट इन्वेंशन है ह्यूमन साइंस में। ये जो साइंस जो अपन पढ़ रहे हैं, ये न्यूटन वूटन जो है, हीट, ये सब पुरानी हो गई है। ये जो है 1950s के बाद में इस चीज ने बहुत पकड़ा है, और 2000 में तो 2000 ये जो 21st सेंचुरी है इसमें तो इतने ज्यादा भयंकर हो गए हैं कि आप ये भी देख लो, आप तो फोन भी लगाने हैं, सब ब्लूटूथ है, ये है, चाहे? तो ये बहुत प्रॉमिसिंग फील्ड है। अगर आप कम्युनिकेशन लेते हैं, टेली कम्युनिकेशन या ये इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, तो काफी ज्यादा स्कोप है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोप है। 5G है, फिर उसके बाद में 5G फोन बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हल्के में मत लेना कि भैया ये कम्युनिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स किसी काम का नहीं है। बेटा ये बहुत ज्यादा काम का है। अभी आगे जो भी फ्यूचर में है, देख रहे हो, आईफोन की सेल होते होते, मतलब आईफोन इतनी बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है। क्यों, क्या करती क्या है? सिर्फ और सिर्फ आईफोन क्या ही करती है? सिर्फ और सिर्फ वो एक काम करती है, वो है फोन बनाना। फोन क्या है? आईफोन, आईपैड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपको आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है कि आपको बहुत ज्यादा स्कोप है। और ये जो चीज भी पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ मैं थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ा रहा हूं, बहुत पूरा 4 साल निकल जाते हैं पढ़ने में, ठीक है। सो कुछ पेज नंबर 514 पे टेबल दिया है, टेबल है 15.1, उसको रीड आउट कर लेना, अभी नहीं, जब लेक्चर खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम, ये ब्लॉक डायग्राम आपके बोर्ड में आएगा, ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। देखिए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, इधर देखिए। मेन सबसे पहले ये आपके बोर्ड बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर 5 नंबर का आ सकता है, और फिर उसको एक्सप्लेन करना होगा हर एक चीज को। देखो सबसे पहले जैसे आपके और मेरे बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, बात ध्यान से समझो, आपके बीच में एक एजीपी सर और लेट से स्टूडेंट है, उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रही है, तो क्या होगा? सबसे पहले मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। आई एम द सोर्स, यू आर द एंड यूजर। लेट से अपना श्रेयस है, श्रेयस जो है वो एंड यूजर है, उसको सुनाई देना चाहिए, ठीक है। मैं सोर्स हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस टेबल में होता है इंफॉर्मेशन सोर्स। कौन होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स। सोर्स जैसे यहाँ पे केजीपी सर है। अब केजीपी सर ने क्या किया, एक मैसेज सिग्नल बनाया। क्या किया? एक मैसेज सिग्नल दिया। जैसे मैसेज सिग्नल, फिजिक्स, कम्युनिकेशन, मैंने एक सिग्नल दिया। अब ये सारा का सारा, मैं खेमचंद, ठीक है, मैंने मैसेज दिया, और ये सारा का सारा
इस कम्युनिकेशन सिस्टम में चला गया, ठीक है। और ये जो मैसेज है ये फाइनली श्रेयस के फोन से आवाज आई, ये मैसेज सिग्नल श्रेयस के पास गया और श्रेयस है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी श्रेयस है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए ब्लॉक डायग्राम क्या है, यहां इंफॉर्मेशन सोर्स रहता, इंफॉर्मेशन सोर्स मैसेज सिग्नल देगा और ये मैसेज सिग्नल इस कम्युनिकेशन सिस्टम से, ये क्या है अपने पास में एक कम्युनिकेशन सिस्टम, ये क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम, इस कम्युनिकेशन सिस्टम से मैसेज सिग्नल एंटर करेगा और बाहर निकलेगा और बाहर जाएगा यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, या इसको एक टर्म और ले सकते हैं रिसीवर के पास, ठीक है। बट ये रियल में डिवाइसेस अलग होती है, बट अपन बोलते हैं यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कोई इंडिविजुअल है। अच्छा अब इसमें क्या होता है, जैसे ही मैसेज सिग्नल आपने भेजा, ये मैसेज सिग्नल जाता है ट्रांसमीटर में, किसमें जाता है, ये मैसेज सिग्नल जाता है ट्रांसमीटर में, और ट्रांसमीटर जो है यानी कि मेरा फोन, देखो मैंने मैसेज दिया, बेसिकली दो चीजें कन्वर्ट हो रही है, क्या हो रहा है मैं बोल रहा हूं ना वो पहले आप मेरे फोन में जाएगा, ठीक है। अब मेरे फोन ने क्या किया, मेरे फोन से आपके फोन तक एक चैनल है, क्या है एक चैनल है, ठीक है, और ये चैनल आपके फोन के रिसीवर के पास जाएगा, ये आपके रिसीवर के पास जाएगा और ये रिसीवर से आपको मैसेज मिलेगा। तो मैसेज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ने डेवलप किया, सोर्स है, मैसेज आया, मैसेज ट्रांस मुझे पहुंचाना है कहीं तो पहले ट्रांसमीटर में जाएगा, ट्रांसमीटर ने चैनल में मैसेज पंप किया और ये रिसीवर है, अब ये चैनल से रिसीवर के पास पहुंचा, रिसीवर ने मैसेज आया यहाँ पे यूजर ऑफ। अच्छा ये चैनल जो है ना इसमें आ सकती है नॉइस, इस चैनल में क्या आ सकती है नॉइस, जो भी नॉइज आती है वो चैनल में इंट्रोड्यूस होती है, जो भी नॉइज आती है वो किसमें होती है चैनल में। आप जैसे एक एग्जांपल से समझो, वापस पीछे की स्लाइड दिखाऊंगा, मान लो मैं केजीपी सर और वीएसएम सर हम लोग फोन पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं, अच्छा तो मैंने फोन है ये, ठीक है, तो यहाँ पे फोन का डिब्बा और यहाँ पे ऐसे केबल रहती है, पहले जमाने में केबल थी अभी भी है कईयों के घर में होंगी। अब देखो ये मैंने बोला हेलो, ठीक है, ये मैसेज आया, अब यहां से क्या है, यहां इधर है मेरा इस फोन में ट्रांसमीटर, क्या है ट्रांसमीटर, अब ये ट्रांसमीटर से ये क्या है केबल वायर जो भी अपन ने यूज किया है इसको बोलते हैं चैनल, क्या बोलते हैं चैनल, और इस चैनल से ये सर के पास जो फोन है वो रिसीवर है और ये जो है मैसेज सर को सुनाई देगा हेलो। बात समझ में आ रही क्या, ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आ गया, ये सोर्स है मैं हूं, ये हेलो मेरा क्या है मैसेज है, हेलो इज द मैसेज। अच्छा ये कौन है यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इस यूजर को क्या मैसेज मिला, हाँ ये मैसेज मिला, कैसे ट्रांसमिट हुआ, एक चैनल के थ्रू, यहाँ पे केबल है जो आप और हम फोन पे हेलो हेलो करते हैं उसमें चैनल दूसरा होता है, उस चैनल के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है, जो अलग से आपके मतलब कुछ वायर नहीं होती, वो वायरलेस चैनल होता है, ठीक है। तो क्या ये प्रोसेस समझ में आया क्या, बताओ, सोर्स मैसेज ट्रांसमीटर से गया चैनल में और इस चैनल में ही नॉइज आती है, ये चैनल ही है जिसके अंदर नॉइज ऐड हो सकती है, अब ये चैनल से फिर रिसीवर के पास मैसेज गया, आपके भी फोन में होता ना रिसीव, फोन रिसीव करिए तो रिसीवर से आपको आवाज सुनाई देती है। अच्छा बोर्ड में क्या पूछेगा, ये पूछेगा, इसको याद रखना है आपको, बोर्ड में 5 नंबर 4 नंबर जो भी आपके पैटर्न में है उसके अकॉर्डिंग पूछ सकता है। दिस इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ये जनरलाइज्ड है, इसको एक्सप्लेन करने को आ सकता है,
तो आप पढ़ लेंगे। आपसे पूछे नॉइस कहां पे ऐड होता है, तो नॉइस चैनल में ऐड होता है, वायर्स के थ्रू है, या कभी कभार महसूस किया गया फोन में खरखर खरखर आवाज आती, नहीं किया कभी भी? क्या बढ़िया, एकदम सही आवाज आती फिर तो। अरे कभी कभार अपने ही लेक्चर होते हैं तब आवाज नहीं हो जाती, ब्रेक हो जाती, राम मास्टर का तो एकदम वही पियानो बजने लग जाता, तो वही सब है नॉइज। हो गया, इसको लिख लो यार, इसको लिख लो मेरी तसल्ली के लिए, ताकि बोर्ड में नंबर आ जाए। देखो यार बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, बट अपन ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो दो टाइप के कम्युनिकेशन अपने को डिस्कस करना है। देखो दो टाइप के कम्युनिकेशन अपने को डिस्कस करना है, ठीक है। दो टाइप के कम्युनिकेशन है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आता है, पर आईआईटी में तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो तो उसमें आता है। आईआईटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन है, मतलब बहुत सारे फील्ड्स हैं उसमें। तो देखो दो टाइप के कम्युनिकेशन है, एक पॉइंट टू पॉइंट, जैसे अगर मैं आपसे फोन पे बात करूं तो जैसे ये वाले केस में केजीपी सर और वीएसएम सर, इनका क्या है पॉइंट से पॉइंट, ये बंदा एक सोर्स है एक रिसीवर है, ये पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। एक होता है ब्रॉडकास्ट, तो पता ही है ना, जैसे मैसेज कभी कभार मैं ब्रॉडकास्ट करता हूं, या आपके जो अभी जो हो रहा है आपके साथ में, मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है, मैसेज है, वो सभी बच्चों को ब्रॉडकास्ट हो रहा है, ठीक है, या यूट्यूब है या टेलीविजन है या एफएम है, तो एक सोर्स है बट रिसीवर बहुत सारे हैं, क्लियर है इतनी बात? तो दो टाइप के हैं, एक है पॉइंट ऑफ पॉइंट टू पॉइंट, दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, और एक होता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के एग्जाम्पल सब आपको पता है, कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो आप पॉइंट छाप सकते हो, आंसर बना सकते हो। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो अपन बहुत जरूरी है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो अपन समझ लेते हैं। इनके सारे बेसिक टर्म्स आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, सारे डेफिनेशन आनी चाहिए एग्जाम बोर्ड पॉइंट से, ठीक है। इंपॉर्टेंट समझा देता हूं मैं, है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन, अरे ये क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्मूथ दौड़ रहा है, इंपॉर्टेंट टर्म्स इन कम्युनिकेशन, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कम्युनिकेशन में, वो क्या है जरा देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है देखो ये आप देखेगा जरा, ट्रांस
ट्रांसड्यूसर, क्या नाम है? ट्रांसड्यूसर। देखो यार ध्यान से बात समझो, मैं जो बोल रहा हूं दैट इज बेसिकली साउंड एनर्जी, बट आपके थ्रू जो पहुंचा है आपको सुनाई तो दे रहा हो साउंड, बट मेरा जो इंफॉर्मेशन है क्या वो जो ब्रॉडकास्ट जो अपना वायरलेसली ट्रांसमिट हुआ है या फोन से ट्रांसमिट होता है वायरलेसली, क्या वो आवाज होती है या कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं? ऑब्वियस है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ये रिसीवर में लगा रहता है, ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मैं साउंड ही बोल रहा हूँ, मैं कुछ साउंड डेवलप कर रहा हूँ, तो उस साउंड को ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्या है, ये वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, अ डिवाइस, डेफिनेशन है इसके, डेफिनेशन इसे लिखने आते हैं, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स ठीक है, सम फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या करता है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को इनटू करेस्पॉन्डिंग वेरिएशंस इन दी इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट इट्स आउटपुट। देखो ट्रांसड्यूसर क्या रहेगा, यहां ये ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर का यहां से मान लीजिए कुछ साउंड आया, ठीक है, कुछ प्रेशर आया, बेसिकली साउंड क्या है, प्रेशर ही है। अब इस प्रेशर को, इन सबको ये ट्रांसड्यूसर किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। फायदा क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दूर तक पहुंचाया जा सकता है। ये कौन है, ये है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर और डिवाइस दैट कन्वर्ट सम फिजिकल क्वांटिटी, था क्वांटिटी कहाँ गायब हो गया, सम फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी लिख लो, सम फिजिकल क्वांटिटी इनटू करेस्पॉन्डिंग वेरिएशंस इन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट इट्स आउटपुट। जैसे मान लो टेम्परेचर है, आप टेम्परेचर को ही क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके आपको टेम्परेचर दिखाई देगा। जैसे आपका वेट है, वेट मेजर करने जाओगे जो भी है तो कन्वर्ट करता है, वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। प्रेशर आया, साउंड आया, तो साउंड को भी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर क्लियर है। दूसरा देखो, सारे डेफिनेशन आपको बुक में मिलेंगे, बट पहले समझ लो, है ना, सिग्नल्स। अब सिग्नल्स जो भी है, कैसे सिग्नल्स हो सकते हैं, एक सिग्नल हो सकता है एनालॉग सिग्नल्स, ठीक है, तो इनको अपन ने किया है एनालॉग एंड डिजिटल, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल है, ठीक है। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल समझ ही रहो, सिग्नल क्या है, एक मैसेज है जिसको अपने को पहुंचाना है। अब ये एनालॉग भी हो सकता है या डिजिटल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एनालॉग, एनालॉग कैसा, जैसे ये है, ये एनालॉग सिग्नल है, साइनोसॉइडल, दिस इज एनालॉग, ठीक है। और डिजिटल कैसा, ये जो है ना डिजिटल, 0101, ये जो फॉर्म में आता है, दिस इज डिजिटल सिग्नल। नेक्स्ट देखो, नॉइज। नॉइज क्या होता है, ध्यान से सुनो,
नॉइज क्या है? इट इज अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड सिग्नल होता है नॉइज दैट डिस्टर्ब, दैट डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, दैट डिस्टर्ब्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज. नॉइज क्या होता है? एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज को डिस्टर्ब करता है. अच्छा, ये जो है ये किधर इंट्रोड्यूस होता है? ये बेसिकली चैनल से भी इंट्रोड्यूस होता है. कभी कभार आपका रिसीवर ट्रांसमीटर भी फॉल्टी होता है, तो ये अनवांटेड सिग्नल जब आ गए मेरे मैसेज में तो उसको बोलते हैं नॉइस. ये भी क्लियर है? ट्रांसमीटर पता ही है, ट्रांसमीटर पता ही है. ट्रांसमीटर क्या होगा? फिर है रिसीवर, रिसीवर भी आपको पता है, ट्रांसमीटर पता है, रिसीवर पता है. जो क्या करता है? इनकमिंग मैसेज को रिसीव करके ट्रांसमिट करता है. इनकमिंग मैसेज को रिसीव करके, रिसीव करके ट्रांसमिट करता है. ट्रांसमिट, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है. यार निप चेंज करते थे, ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया है, पूरा फैल रहा है. रिसीवर क्या होता है? नाम से ही पता है, एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स द डिजायर्ड मैसेज. ये क्या करता है? डिजायर्ड मैसेज को एक्सट्रैक्ट करता है. ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सारे डेफिनेशंस देख लोगे. मैसेज देख लोगे, मतलब सारे डेफिनेशंस देख लेना, बुक्स में दी हुई है. मतलब ये चैप्टर मैं ना भी कराऊं तो भी चल जाएगा, एक्सेप्ट दो तीन चीजें जो मुझे बतानी है. एक होता है अटैनुएशन. अटैनुएशन याद करो, मैंने थोड़े दिन पहले बताया था आपको. ये क्या होता है? द लॉस ऑफ, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ. अगर सिग्नल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर दे तो उसको बोलते हैं अटैनुएशन, कमी हो गई. आपने सिग्नल भेजा, मतलब ज्यादा आवाज भेजी, बट वो क्या है, वो आवाज धीरे धीरे कम हो गई, तो द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ व्हाइल propagating, while propagating through a medium, while propagating through a medium. ये loss होता है, उसी को attenuation बोलते हैं. अच्छा, इस loss से बचने के लिए अपन क्या करते हैं? Amplification. क्या amplification का meaning समझ में आ रहा है क्या? Amplification, increasing the amplitude, increasing the amplitude. एक गाना है, मैं तेरा एम्पलीफायर फायर. एक होती है रेंज. रेंज, रेंज पता है क्या? रेंज है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डेस्टिनेशन. रेंज मैंने बताया कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो जैसे मैंने क्लास में मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो मेरे जो सिग्नल है उसकी मैक्सिमम रेंज कितनी हो सकती है? लास्ट बेंच तक, या दो तीन रूम और छोड़ के. मान लो अपन बड़े वाले रूम में ले रहे हैं, मेरी सिग्नल जो है, मेरी वॉइस है, छोटे वाले रूम में भी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? मेरी रेंज कितनी है, सिग्नल कितनी दूर तक पहुंच सकता है. तो ये रेंज हो गया. फिर एक होता है मॉड्यूलेशन. एक होता है ये, इसको अपन डिस्कस करेंगे इन डेप्थ. इन डेप्थ तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा चर्चा करेंगे. एक होता है डीमॉड्यूलेशन.
मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन को ध्यान से समझो। एएम पता है, एएम एफएम, एफएम के गाने सुनते क्या? एफएम पर गाने सुनते? अरे सुनते कि नहीं, कभी सुना हो? अच्छा फोन में होता है एफएम और एएम होता, ठीक है। तो ये क्या होता है, रेडियो में, रेडियो में ये जो एम है ना, ये बेसिकली मॉड्यूलेशन है। ये इसको अपन डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, इसको अपन लोग डिस्कस करेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एएम का मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। सबसे पॉपुलर स्टेशन कौन सा है बताओ गाना सुनने के लिए? 94.5 या 90, कौन सा है? बिग एफएम 95.5, वो सब क्या है? फ्रीक्वेंसीज है, रेडियो मिर्ची। अरे वाह, बिग एफएम। अरे चलो बढ़िया। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होगा? देखो सुनो, बात समझो, मुझे रेडियो पे या किसी पे फ्री कुछ सिग्नल पहुंचाना है, तो मैं उसको एज इट इज नहीं पहुंचा सकता। मैं क्या यूज करता हूँ, मैं एक टेक्निक यूज करता हूँ जिसका नाम है मॉड्यूलेशन। और इस मॉड्यूलेशन से क्या होता है, मैं अपना सिग्नल, मान लो रेडियो स्टेशन अकोला में है और इसको दूर दूर तक मैं पहुंचा सकता हूँ, तो मेरा सिग्नल की क्या करते हैं, उसको कहीं पे बिठा के लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो, मान लो, मान लो कि ये अपना गोविंदा है, ठीक है, जीके। तो लाला है अपने पास में, लाला को नागपुर चला गया, मान लो नागपुर चला गया, मस्त एवेंजर मूवी देखी ना नागपुर में, और उसको मिलने जाना है मुंबई, ठीक है, मतलब आईआईटी में जाना है। तो अब देखो, पैदल तो चल के जाएगा नहीं, अकोला से भी पैदल तो चल के जाएगा नहीं, ठीक है। और अगर पैदल चलने की हिम्मत करी तो जहां पहुंचना है तब तक तो चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या होता है, ये एग्जैक्ट सिग्नल ये बंदा यहाँ नहीं पहुंच सकता अपने नॉर्मल मेथड से या नॉर्मल रूट से, तो ये क्या करेगा, ये यूज कर सकता है कार या यूज कर सकता है ट्रेन। मान लो अकोला में प्लेन चल गई, एयरपोर्ट बन गया, तो अकोला टू मुंबई या अकोला से मान लो हेलीकॉप्टर यूज करके आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए, तो क्या करते हैं, ये जो भी मैसेज है ये डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे एज इट इज नहीं जाता, उसको मुझे किसी में बिठा के भेजना पड़ेगा। मान लो अपन ने गोविंद को कार में बिठा दिया, अब कार यहां से गोविंद को पिक करेगी और पूरा आईआईटी बॉम्बे पहुंचा देगी। तो क्या हो गया, कैरियर बेसिकली क्या कर दिया, मैंने मॉड्यूलेटर यूज किया। मैंने क्या किया, मॉड्यूलेटर यूज किया। कार भी मॉड्यूलेटर हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, या सीधा ही यहां से हेलीकॉप्टर उठाया और हेलीकॉप्टर दूसरी जगह पे पहुंचा दिया। तो ये सब क्या है, दीज आर मॉड्यूलेटर्स, ये सब लोग क्या है, मॉड्यूलेटर्स। दूसरा क्या है, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन मतलब गोविंद का कार में, ट्रेन में या प्लेन में बिठाना, और डीमॉड्यूलेशन क्या होगा, कार से ट्रेन से या प्लेन से गोविंद को नीचे उतारना, ठीक है, दैट इज डीमॉड्यूलेशन। समझ में आ रहा क्या, ये होता है कैरियर। ये क्या होता है, कैरियर। कौन है कैरियर? कैरियर वो है जो अपने मैसेज को लेके जाएगा डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पे मैसेज कौन, गोविंद, जाना है दूसरी जगह पे, तो उसको किस में बिठाएंगे, उसको कैरियर में बिठाएंगे। कैरियर में बिठाना इज मॉड्यूलेशन, कैरियर से नीचे उतारना डीमॉड्यूलेशन। कई बात चमकी? आज ये खत्म कर दूंगा मैं। सारे डेफिनेशन है बोर्ड के लिए, पढ़ लेना। हाँ बेटा, सर, सर इसकी डेफिनेशन ऐसी वर्ड्स में नहीं है कि सर, है ना। सर वो अभी इसको मैं भी समझाऊंगा, अभी ये मॉड्यूलेशन पे मेरे को एएम डिस्कस करना है। सर। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं कर सकते इंफॉर्मेशन को, तो उसको सुपर इम्पोज किया जाता है कैरियर में, उसी को मॉड्यूलेशन बोलते हैं। आई विल डिस्कस इन डेप्थ,
ठीक है, एएम को अपन अच्छे से समझेंगे, डीमॉड्यूलेशन उसका रिवर्स होता है। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरियर वेव एट द रिसीवर। ठीक है, ये बेसिक समझ लो, पूरा बुक्स में और ज्यादा नोट्स वोट्स बनाओ नहीं इसके लिए। ठीक है, ये पीडीएफ में भेज दूंगा, आज आज के दिन ही खत्म कर दूंगा ये चैप्टर जो है, आज के दिन में खत्म हो जाएगा। एक चीज होती है रिपीटर, ये कौन सा हो गया था, 11, सारे डेफिनेशन आने चाहिए बोर्ड्स के लिए। रिपीटर, रिपीटर क्या होता है ध्यान से सुनो, जैसे मान लो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये आपने टावर देखा है क्या, कौन सा ये आकाशवाणी वाला, या ऐसे टावर देखे रिलायंस विलायंस के या जो भी एयरटेल वेटेल के, तो ये टावर जो होता है मान लो एक पहाड़ी है, तो बेसिकली क्या करते हैं, ये दूसरा टावर, ये दूसरा टावर, तो ये टावर इंफॉर्मेशन मेरे को यहां से ए से लेके मेरे को एक्स तक पहुंचाना है, तो अब ए से एक्स डायरेक्टली नहीं जाएगा, क्या करते हैं पहले ये टावर पे जाएगा, फिर ये टावर पे, फिर ऊपर, फिर ऐसे पहाड़ी पे लगा दिया, दिस इज हिल। तो बेसिकली ये प्रोसेस जिससे मैसेज जो है मल्टीपल टावर्स पे जाके जो रिसीवर के पास पहुंच रहा है, दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज इज नोन एज, दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेज इज नोन एज रिपीटिशन। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसमीटर, यहाँ पे रिसीवर होगा, बट वो रिसीव करके वापस से ट्रांसमिट कर देगा इंफॉर्मेशन को, तो यहाँ पे रिसीवर होगा, सेकेंड वाले खंबे से जो भी मैसेज आया है उसको रिसीव करेगा और उसको एम्पलीफाई करके वापस ट्रांसमिट करेगा, ये वाला इसको रिसीव करेगा फिर वापस रिट्रांसमिट करेगा, तो ये जो रिपीटिशन हो रहा है इसी को रिपीटर्स बोलते हैं। क्या है, व्हाट इज रिपीटर, रिपीटर नाम समझ में आ रहा है ना, रिपीट करने वाला, और रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। बेटा ऐसा क्यों किया जाता, ताकि इंफॉर्मेशन बहुत दूर तक पहुंचाई जाए, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि सो दैट द रेंज कैन बी इंक्रीज्ड। अरे बोलते हैं ना, यहां जियो का टावर नहीं आ रहा, यहां एयरटेल का टावर नहीं आ रहा, फिर अपन पहाड़ियों पे खड़े हो जाते हैं। पहले होता था जब लोग छोटे बच्चे थे, एकदम छत के ऊपर जाते थे बात करने के लिए, अरे मस्त एकदम मस्त टावर पकड़ेगा, टेरेस पे चलो। तो ये रिपीटर होता है, रिपीटर क्या करता है, रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट करता है, क्यों, ताकि रेंज बढ़ाई जा सके। गया? मैं आगे बढ़ रहा हूं, समझ में आया क्या, यस मैसेज कर दो। ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनो, ये आपको फ्रीक्वेंसीज है वो याद रखनी है। अच्छा, ह्यूमन का ऑडिबल रेंज कितना होता है, अपने को सुनाई कितने फ्रीक्वेंसी तक देता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। तो बात समझ रहे हो, जो भी अपने बीच में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, अपने बीच में कम्युनिकेशन होगा, तो आप 20 से लेके 20,000 फ्रीक्वेंसी कुछ भी सुन सकते, ठीक है। तो इसमें आप जब स्टडी करोगे तो क्या होता है कि नॉर्मल जो बैंडविड्थ है, एक आता है कि आपके जो सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी होती है कि वो कितने स्पीच सिग्नल अपने कितने हो सकते हैं, इनको कितना बैंड अलॉट किया जाए, जैसे कम्युनिकेशन होता है ना, तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज हो ताकि उतने से अपन सुन सके, ठीक है। जैसे टीवी में अगर अपन टेलीविजन की बात करें, जो ब्रॉडकास्ट होता है,
उसमें साउंड भी होता है और पिक्चर्स भी होती हैं, इमेज भी होता है, वीडियो भी होता है, तो वो वीडियो को भी उसका जो मैसेज है उसको फ्रीक्वेंसीज में ब्रेक कर सकते हैं अपन। जैसे साउंड तो फ्रीक्वेंसीज में रहता ही है, इवन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये जो वर्ड्स देख रहे हो, ये व्हाइट बोर्ड देख रहे हो, ये भी क्या हो रहा है, बेसिकली जब ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको भी फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। इनको भी मैसेज को सेंड करने के लिए फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो आपकी टीवी है उसमें म्यूजिक बजता, मतलब बढ़िया बढ़िया वीडियोस दिखते हैं, तो उनकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसीज बढ़ जाती है। तो ये जो है बैंड्स, जो है बैंड्स फ्रीक्वेंसी, गवर्नमेंट्स ने फ्रीक्वेंसी बैंड्स घोषित कर रखे हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो स्पेक्ट्रम होते हैं उन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, एक पर्टिकुलर बैंड अलॉट किया जाता है कि यार जो भी इस देश में टीवी ब्रॉडकास्ट होगा या जो भी आपका टेलीफोनिक ब्रॉडकास्ट है, टेलीफोनिक मैसेज है या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन है, वो इस पर्टिकुलर बैंड में होगा। मतलब फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई है, आप जो भी टेलीफोन कंपनीज है वो उसी बैंड में मैसेज को यूजर से लेंगी और उसी तरह रिसीवर को भेजेंगी। वो उनको अधिकार दे दिया गया कि भाई यार ये बैंड आपको दिया, अब आप इस कंपनी, आपके सारे कम्युनिकेशन यहां से होंगे। वैसे ही सारे जो ब्रॉडकास्ट जो होते हैं ना टेलीविजन वाले, याद करो आपने अगर एयरटेल, डिश टीवी या ऐसा कुछ ले रखा हो, तो उनकी भी क्या है ना फ्रीक्वेंसीज रहती है कि भाई इस फ्रीक्वेंसीज पे ये चैनल चलेगा, इस फ्रीक्वेंसी पे आज तक आएगा, इस फ्रीक्वेंसी पे ये आएगा, तो उनको कुछ अलॉट किया गया है। और इसको क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बना था, उसने ये पूरे वर्ल्ड के लिए डिसाइड किया कि पूरे वर्ल्ड में इस फ्रीक्वेंसीज में अलॉट करेंगे। अच्छा, जो आम आर्मी है या मिलिट्री, जो भी आपका आर्म फोर्सेस है, आर्मी और ये जो बड़े सीक्रेटिव मैसेजेस होते हैं, मतलब जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड इनके लिए फ्रीक्वेंसीज होती है, वो नॉर्मल जनता यूज नहीं करती, नॉर्मल को अलाउड भी नहीं है उस फ्रीक्वेंसीज में। तो आर्मीज के लिए डेडिकेटेड फ्रीक्वेंसी चैनल्स अलॉट किए जाते हैं ताकि वो जो भी है बात करना है, मैसेज है, वो सब पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अलग है, एफएम को अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी कि भाई इस बैंड में सिर्फ एफएम बजेगा, इसमें टेलीविजन चलेगा, इसमें आपके फोन ऑपरेट होंगे। ये किसने डिसाइड किया, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है, जिसने स्पेक्ट्रम्स की डिवीजन किया। ठीक है, तो ये आपको टेबल याद रखना है, इसको डू रिमेम्बर वाले चीजों में है कि एफएम जो है उसका बैंडविड्थ जो है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज का है। ठीक है, टेलीविजन का अलग है, मोबाइल फोन का अलग है, मोबाइल फोन जो है उसको अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन उसको अलग दे रखा, उसको इतना कुछ दे रखा है, अपलिंक और डीलिंक का है ना, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज दे रखी होता है, गीगाहर्ट्ज, ये मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और जो एएम होता वो कितना आता, ये बैंड्स दे रखा है कि भी इसमें आप इंफॉर्मेशन भेज सकते। टेलीविजन वाला और भी है मेगाहर्ट्ज, ये आप चार्ट है इसको याद कर लीजिएगा, ये 800 मेगाहर्ट्ज में है। ठीक है, फिर ये गीगाहर्ट्ज में, ऐसा गवर्नमेंट ने दे रखा है। ये आपके टेबल है, आप उसको यूज कर सकते हो, आपके टेबल है उसमें आप यूज कर सकते हो, इसको याद कर लेना आप, इसको याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ेगा, ये पेज कौन से में है, ये पेज 519 ऑफ एनसीईआरटी दे रखा है, कभी कोई छोटे मोटे एग्जाम में पूछ ले तो, नहीं तो मैं तो याद नहीं करते। बस ये याद रखना, ये किलो में है, ये मेगा में है, ये भी मेगा में है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही है, मैंने थोड़ा कम लिखा दिया है, और ज्यादा रेंज है इनकी,
और ये भी मेगा में, ये गेगा में, बस मेगा गेगा याद रख लेना। अच्छा बात खत्म में आता है। अच्छा अब प्रोपोगेशन कैसा होता है, जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करनी है, प्रोपोगेशन। अच्छा ये सब पता है, प्रोपोगेशन ऑफ ये जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो बेसिकली सब है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो आपके फोन में पढ़ा था मैंने रेडियो, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पार्ट है, इंफ्रारेड, विजिबल, रेडियो, माइक्रोवेव। तो ये प्रोपोगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कैसे होता है, इसके तीन मेथड है। एक होता है ग्राउंड वेव मेथड है, दूसरा एक है स्काई वेव और तीसरा है स्पेस वेव। ये तीन मेथड से अपन वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं, ग्राउंड, स्काई, स्पेस। स्पेस में लाइन ऑफ साइट यूज होता है, स्काई मतलब बेसिकली अपन जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसका यूज करते हैं। ग्राउंड वेव में क्या होता है, अपन एंटीना ज्यादा यूज करते हैं, एंटीना मतलब बाकी समय भी एंटीना ही है। ये स्काई वेव में क्या होता है, एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं, और इसमें बेसिकली सैटेलाइट्स का यूज करते हैं। इसको अच्छे से आपके बुक में दिया हुआ है, स्पेस वेव क्या होती है, जो स्पेस में जाती है, स्काई वेव मतलब आकाश से टकराती है, और एक है दूसरा है दैट इज ग्राउंड वेव। इसको एक एक को समझते हैं। पहले ये चीज समझो, यह अर्थ का सरफेस है। यहाँ पे एक एंटीना है, लेट से यहाँ पे एक एंटीना है और यहाँ पे एक एंटीना है। तो अगर ग्राउंड के ग्राउंड कम्युनिकेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड वेव। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट ही है। अब मान लो एक ऐसा है, एक यहाँ पे एंटीना टाइप है ब्रॉडकास्ट के लिए, सैटेलाइट होते हैं देखे होंगे आपने, और एक यहाँ पे बड़ा सा एक सैटेलाइट यहाँ पे, ये एक सेकेंड ना मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, पहले एक बार देख लो इसको, डिटेल तो क्या ही है। देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे आपने सिग्नल दिया, अर्थ का सरफेस है यहाँ पे, सॉरी अर्थ का एटमॉस्फेयर है जो है, उस एटमॉस्फेयर से क्या होता है, आपने वेव्स दी ना, ये वेव्स का बेंडिंग हो जाता, ये वेव्स का बेंडिंग होता, यहां से वेव्स आ रही है, ये वेव जो है यहां से रिफ्लेक्शन शो करती है, यहां से रिफ्लेक्शन हो जाता है। इस कम्युनिकेशन को बोलेंगे, इस प्रोपोगेशन को बोलेंगे स्पेस वेव। पहला होता है ग्राउंड वेव। ग्राउंड वेव में क्या होता है, ये ग्राउंड का सरफेस है, अर्थ है, और ये इससे अब ये हो गया, सॉरी स्पेस नहीं है, स्काई है, माय फॉल्ट, दिस इज स्काई। रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं स्काई वेव। एक तीसरा टाइप का भी होता है, वो क्या होता है जरा देखो, उसमें क्या होगा, यहां पे ऐसा एक सैटेलाइट होगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स तो पता ही है ना आपको, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, यहां से सिग्नल आया जो एटमॉस्फेयर से पार होके चला गया, यहां से ये सिग्नल फिर इधर आएगा। तो जो सैटेलाइट से टकराने के बाद आ रहा इसको बोलते हैं स्पेस वेव, स्पेस में जाके आ रहा। ये जो है, ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये आइनोस्फियर है अर्थ का एटमॉस्फेयर। ये वाली रे जो है ब्लू वाली, ये आइनोस्फियर से पार होके सैटेलाइट से वापस आती है, तो इनको बोलेंगे स्पेस वेव। जो आइनोस्फियर से टकरा के इसका क्या हो गया, TIR हो गया। TIR पता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेव डाली वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये प्रॉपर्टी है आइनोस्फियर की,
जिसको अपन ने ह्यूमन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लोइट किया है, तो इन्फॉर्मेशन भेजी, रिफ्लेक्ट होके वापस दूसरे एंटीना, ये ग्राउंड टू ग्राउंड, ये क्या सेटअप समझ में आया? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है भाई, क्या तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? जमीन से जमीन, एंटीना एंटीना, फिर ये वाला स्काई, फिर ऊपर वाला सैटेलाइट से भेज के आया, तो उसको बोलेंगे स्पेस वेव, बोलते हैं स्पेस वेव। पीछे तो क्या ही था, तीन चीजें यार, ग्राउंड वेव, स्काई वेव, स्पेस वेव, ग्राउंड स्काई स्पेस, उसी को मैंने यार लिखा दिया है, उसी को मैंने यहां पे लिखा दिया है। इसकी आप रीडिंग अच्छे से कर लेना। अरे समझ में तो आया क्या? डीसी डीबी जे जे, एंटीना से एंटीना लगाएंगे तो ग्राउंड वेव, अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होके आ रहा तो स्काई वेव प्रोपोगेशन, और सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके आ रहा, रिफ्लेक्ट हो गया मतलब रिसीव होके फिर ट्रांसमिट होता है, तो उसको बोलते हैं स्पेस वेव। ठीक है, प्योर आंसर लिखने आता, आंसर मस्त एकदम थ्योरी समझ लेना, अपने वर्ड्स में लिखना बोर्ड में। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें ग्राउंड वेव के लिए जो अपने को जरूरी है, ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव में क्या होता है जरा देखो। इसमें ऐसा दिया गया है कि जब भी आप ग्राउंड वेव से ट्रांसमिट करते हो एंटीना, एंटीना से, तो एंटीना का जो लेंथ होना चाहिए, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, एंटीना का लेंथ फॉर इफेक्टिव ट्रांसफर इज लैम्डा बाई फोर। एंटीना लेंथ फॉर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल, ठीक है, कितना होना चाहिए? जितना भी आप लैम्डा ले रहे हो, जितने भी जैसे ये वेव सेंड कर रहे हो, इस वेव का कुछ लैम्डा होगा, तो ये बोल रहा है कि आपका एंटीना का लेंथ कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय फोर। अगर हाई इफिशियंसी पे ट्रांसफर करना है तो एंटीना का लेंथ होना चाहिए लैम्डा बाय फोर, लैम्डा बाय फोर, कितना होना चाहिए लैम्डा बाय फोर, एंटीना लेंथ फॉर ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स इफेक्टिवली, इफेक्टिवली ट्रांसफर करने के लिए लैम्डा बाय फोर होना चाहिए। ठीक, बट होता क्या है, ऑब्वियस है, जब ग्राउंड है, ग्राउंड से इस यहां से ऐसे एंटीना से ये जाती है, तो ये ग्राउंड, ये वेव है ना ग्राउंड पे जाती है, ये ग्राउंड पे जाती है, तो इधर क्या होता है, लॉस होता है, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। ठीक है, उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, एएम मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं, क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं। ग्राउंड से ग्राउंड, दीज आर ग्राउंड वेव्स, ये याद रखना है, बुक में दिया हुआ है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो, स्काईवे में क्या होता है, इन्होंने अर्थ का, अगर आपको बोर्ड में आया स्काईवे तो पूरा रट के रखना है कि जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे
यहाँ पे ऐसे लेयर्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने टेबल दे रखा है, उनमें नामकरण कर रखा है, इसका F2, इसका F1, इसका E और इसका कुछ D कर रखा है, और ये बोला है कि अगर एंटीना है, यहाँ से एंटीना है, तो ये वाला क्या करता है, E और F में इतना ज्यादा आयनाइजेशन होता है कि रेज वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है, इतना आयनाइज। ये वाला कौन सा है, ये आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर का लेयर्स है, इन लेयर्स का हाइट भी दे रखा है, हाइट ये सब दे रखा है, कौन सी वेव ट्रांसमिट होंगी, कितने फ्रीक्वेंसी वाला रिफ्लेक्ट होगा, वो सब दे रखा है, बट कुछ वेव जो है जो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, हाई फ्रीक्वेंसीज की वेव क्या होंगी, ये पूरा पार कर जाएंगे, रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, वो ऊपर चली जाएंगे, मतलब आइनोस्फीयर से ऊपर, और जो आइनोस्फीयर से ऊपर चली जाएंगी वो फिर किसके पास जाएंगी, वो सैटेलाइट्स के पास जाएंगी, तो उसमें रेंज दे रखा है, इतना मेगा हर्ट्ज वाला ट्रांसमिट होगा, इतना नहीं होगा, ठीक है। कुछ जो वेव्स है वो रिफ्लेक्ट हो जाए, फ्रीक्वेंसीज फिक्स्ड है, इनकी फ्रीक्वेंसीज फिक्स्ड है, हाई फ्रीक्वेंसी जो है निकल जाती है, रात के समय अलग होता है, दिन के समय अलग होता है, या आइनोस्फीयर होता, डी ई एफ वन एफ टू दो लेयर है, ई और एफ वन लेयर में लाइट, ये जो सिग्नल है अपना, वो रिफ्लेक्ट हो जाता, उसे हायर फ्रीक्वेंसीज पे डालोगे तो सैटेलाइट के पास चला जाएगा, किसके पास जाएगा, सैटेलाइट के पास जाएगा, लगभग हो ही गया है, 20-21 मिनट और लगेंगे, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा इतना हो गया क्या, आइनोस्फीयर का लेयर है, ई और एफ वन में लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती। अच्छा अब ये देखो, एक एंटीना कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक सिग्नल पहुंचा सकता है, उसको ऐसे देखो, सरफेस जो है दैट इज स्फेरिकल वन है, तो मान लीजिए एक एंटीना इधर है, अब ये एंटीना जो है ना, सिग्नल जो देगा ना, ये लाइन ऑफ साइट में चलता, मतलब मान लो मैंने सिग्नल ऐसा दिया, अब बेटा अब क्या होगा, अर्थ का सरफेस कर्वेचर आएगा, अर्थ ऐसे है, अर्थ एकदम कर्वेचर आएगा, उसके बाद में सिग्नल्स नहीं पहुंच पाएंगे, उसके बाद में आगे सिग्नल्स नहीं जा पाएंगे, तो इसका मैक्स टू मैक्स देखो, ये यहां तक जा सकता, आवाज आ रही है मेरी, आवाज तो आ रही, देखो ठीक है, आपको समझ में आएगा यार, ये जो है अपना ट्रांसमीटर है, ठीक है, ट्रांसमीटर है, और ये अपना रिसीवर है, ये ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, अब ये जो भी सिग्नल आपने भेजा है, ये सिग्नल एक पॉइंट तक जाके फिर रुक जाएगा, देखो अर्थ का कर्वेचर आएगा, तो अपन ने क्या बोला कि मान लीजिए इसका हाइट HT है, इसका हाइट HR है, मुझे रेंज बतानी है, रेंज समझ में आता, रेंज मैक्सिमम दूरी किसके बीच में, रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में, जहां पे इंफॉर्मेशन रिट्राइव हो सकती है या रिसीवर तक पहुंच सकता है, तो अपन ने क्या किया, ये डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, डिस्टेंस फ्रॉम दिस ट्रांसमीटर अप टू दिस कर्वेचर, जिसके बाद में ये सिग्नल आगे जाएगा ही नहीं, और ये है डिस्टेंस dr, दिस इज दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये जो है अपना अर्थ का, अपना अर्थ का रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है, रेडियस ऑफ, ये HT क्या है, HT इज हाइट ऑफ दी टावर ट्रांसमीटर, हाइट ऑफ ट्रांसमीटर, बड़े बड़े
खंबे लगे रहते हैं ना, कभी देखा, देखना आकाशवाणी वाले को कितना बड़ा है वो, अपने टेरेस से भी दिख जाएगा आपको। दिस इज हाइट ऑफ रिसीवर, ये क्या है, रिसीवर वाले का हाइट। अच्छा अब सिंपल सा लॉजिक है, डीटी, डीटी जो है दिस इज रूट अंडर 2RHT एंड DR इज रूट अंडर 2RHR। ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, इसकी वैल्यू है रूट अंडर 2RHT और DR की वैल्यू है रूट अंडर 2R। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द रिसीवर, ये रिसीवर कितना सिग्नल को रिसीव कर सकता है यहां वाले, तो इनके बीच में मैक्सिमम दूरी रेंज कितनी होगी, रेंज हो जाएगी डी टी प्लस डी आर। इसको छाप लो बेटा, इसको जरूर छाप लो, इस पे प्रॉब्लम आते हैं, इसको छाप लो। इसको छाप लो, इसको छाप लो, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे, ये प्रॉब्लम्स आते हैं। अरे छापा क्या, मैसेज तो करो। है सो क्वेश्चन ले लो, उस पे सिंपल सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ऐसा है, पर ट्रांसमिटिंग इस पे सवाल आ सकता है कभी कभार, तो ऐसा हो सकता है ये फॉर्मूला ही आपसे डायरेक्ट पूछ ले, चार ऑप्शंस देके फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछ ले। तो लिखे अ ट्रांसमिटिंग, अ ट्रांसमिटिंग एंटीना, एंटीना एट द टॉप ऑफ अ टावर हैज हाइट 32 मीटर्स एंड
height of receiver antenna is 50 meters. Find the max range. Find the max range. Yeah, maximum distance between them. For satisfactory communication. बताइए रेंज या डिस्टेंस कितना हो? रेडियस है अर्थ का 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर. निकालिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा. अच्छा, किसी को लग रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला बताओ, ये फॉर्मूला कैसे आया? फॉर्मूला बुक में नहीं दिया भाई, बट आप इजीली निकाल सकते हो. पाइथागोरस लगाओ और अप्रोक्सीमेशन लगाओ, आंसर आएगा. सॉल्व करो इसको बेटा. क्या करना है? रेंज क्या होता है? रेंज होता है मैक्सिमम डिस्टेंस वेयर द ट्रांसमीटर कैन ट्रांसमिट द सिग्नल, मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर द रिसीवर. इसके लिए क्या होता है? 2HT into R प्लस रूट अंडर 2HR into R. वैल्यूज डालो, अप्रोक्स आंसर बताओ. कि मैक्सिमम रेंज इन दोनों रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में, एंटीनास के बीच में कितना डिस्टेंस हो ताकि मैसेज इजीली पहुंच पाए. कैलकुलेटर का यूज करो और जो नीव एकेडमी है उसी में मैसेज करो. नीव एकेडमी वाला जो है उस पे मैसेज करो. वेरी गुड. ये आएगा सब सॉल्व करने के बाद में. 114 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू रूट 10 मीटर, जो कि फिर कैलकुलेशन करने पे 45.45 किलोमीटर है. ये रेंज जो है मैक्सिमम इतनी हो सकती है. हो रहा है, नेट सही नहीं काम कर रहा है. अच्छा, किसी को अगर ये डाउट आ रहा है कि ये रूट वाला कैसा आया, देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाइए और कुछ नहीं है. देखो ये अर्थ का सरफेस है. देखो मान लीजिए ये छोटी सी डिस्टेंस है, ज्यादा बड़ी नहीं, बट थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देते हैं. ये देखो, ये डी टी है, ये एच टी है, ये आर ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. यहां से पाइथागोरस लगाओगे तो देखो क्या लगेगा. दिस इज सी, दिस इज ए, दिस इज बी. मुझे ए बी निकालना है तो क्या मैं बोल दूं ए सी का होल स्क्वायर इज ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर. इतना क्लियर है क्या? ए सी कितना है? ए सी है आर प्लस एच टी का होल स्क्वायर,
और ए बी कितना है, डी टी का होल स्क्वायर प्लस ये कितना होगा आर का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो दिस इज एच टी का होल स्क्वायर प्लस टू आर एच टी इज इक्वल टू डी टी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया। ध्यान से देखो, मेरे को डी टी चाहिए। अब डी टी क्या हो गया, डी टी इज रूट अंडर टू आर एच टी इंटू एच टी का स्क्वायर। अब बेसिकली ये डी टी भी जो है ये अप्रोक्सीमेटेड है। अच्छा सर, ये अप्रोक्सीमेटेड क्यों लिया बेटा, जो आपके टावर की हाइट होगी ना वो 30 मीटर से लेके 50 मीटर तक ज्यादा ज्यादा रख सकते हैं आप। एंटीना कितना बड़ा रखोगे, 30 से 40 मीटर। बट यहाँ पे ये टर्म देखो, ये टर्म देखो, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ अभी देखो कितना कितना टाइम कितना मीटर है, 10 to the power 6। दिस इज 10 to the power 6 मीटर। तो इसमें कुछ कंपेरिजन है क्या, नहीं है। ये क्वांटिटी नेग्लिजिबल है बेटा। स्क्वायर किया ज्यादा ज्यादा 50 का 2500 हो गया, बट ये तो 10 to the power 6 है ना, और उससे मल्टीप्लाई भी किया है आपने एच टी, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 R H T। समझ में आया क्या, फॉर्मूला कहां से आया था ये बेटा बोलो, फॉर्मूला समझ में आया क्या, कहां से आया ये डी टी, एंटीना से जो भी मैसेज गया वो कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, इधर तक, ये डी टी की वैल्यू। अरे बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो यार, नहीं चमका क्या ये, 2-3 बच्चों को चमक रहा सिर्फ। ठीक है, उसपे सवाल है, उसपे सवाल दिया हुआ है, उसपे सवाल एक दो बार पूछा भी गया है। अब मेन जो जिसपे सबसे ज्यादा चांसेस है सवाल का, और जो कि आखिरी पार्ट है, दैट इज मॉड्यूलेशन। क्या है, मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन को समझ लेते हैं, छोटा सा ही है ये। आज ये चैप्टर खत्म करके ही मानेंगे, है ना, इससे भी छोटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। चलो देखो, अब मॉड्यूलेशन मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, मॉड्यूलेशन आपके सिलेबस में सिर्फ AM है, जब आप कम्युनिकेशन और इंजीनियरिंग में करते हो तो बाकी सब पढ़ लोगे। अच्छा, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्यों है, देखो मॉड्यूलेशन की जरूरत 3 कारणों की वजह से है। जो भी आपने सिग्नल पहुंचाया है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये सिग्नल ज्यादा डिस्टेंस दूर नहीं जा सकता। पहला मॉड्यूलेशन का रीजन है साइज ऑफ एंटीना। देखो, अगर आपको हाई इफिशियंसी एंटीना चाहिए तो क्या होना चाहिए, उसका लेंथ जो है वो लैम्डा बाई 4 होना चाहिए फॉर इफेक्टिव इफेक्टिव ट्रांसमिशन। अच्छा, इफेक्टिव ट्रांसमिशन के लिए इतना होना चाहिए, जितना 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 फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना लैम्डा कम होगा, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे उतना लैम्डा कम होगा। मान लीजिए नॉर्मल सेंस में, नॉर्मल सेंस में अपना ह्यूमन ह्यूमन फ्रीक्वेंसी कितनी होती है सुनाई देने का, ये आपको ऑडिबल रेंज पता है। अच्छा, इसका लैम्डा कितना है जरा बताओ बेटा। अगर आपको लेंथ ऑफ एंटीना लैम्डा बाई 4 चाहिए, अगर आपको वॉइस ट्रांसफर करना है तो वॉइस आता है 20 kHz, बताओ इसका लैम्डा कितना आया। मुझे फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर करनी है 20 kHz, लैम्डा निकालो, सॉल्व करो फटाफट। सॉल्व करो, लैम्डा बताओ यार, मिल गए सब। C इज इक्वल टू लैम्डा एफ, लैम्डा कितना आएगा, सी बाई एफ। सी बाई एफ नहीं कर पा रहे क्या, सी बाई एफ। सी बाई एफ करो, मदन, गोविंद, भक्ति, श्रेया, श्रेयस, चिराग, ध्रुव,
CYF करके आंसर बताओ कितना मीटर आता। बस आखिरी के 10-1 मिनट है, फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट। मैं पागल हो जाऊंगा। कितना था? 15 किलोमीटर। अगर लैम्डा 15 किलोमीटर, लेंथ ऑफ एंटीना कितना चाहिए? लेंथ ऑफ एंटीना कितना चाहिए? 15/4, तो समथिंग अराउंड 4 किलोमीटर, 3.75 किलोमीटर। इतना बड़ा एंटीना अपन लगा सकते क्या? नहीं, जो अपने दिखाई देते हैं वो एंटीना इतने बड़े मतलब मीटर्स में ही होते हैं, किलोमीटर वाला एंटीना नहीं बना सकते। तो पहला है कि अगर इफेक्टिव साइज जो है एंटीना की, अगर फ्रीक्वेंसी कम रहती है तो इतना इतना बड़ा एंटीना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इवन जो आपका साउंड है, जो वॉइस है, उसको भी मुझे हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसको भी जो आपके जो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, सुनाई तो उतना देता बट उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफर किया जाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल टू मेक सच अ ह्यूज एंटीना। तो अपन क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन करते हैं। दूसरा रीजन क्या है कि जो पावर ऑफ एंटीना भी होती है ना, पावर ऑफ एंटीना, वो भी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है पावर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। तो जितना जितना ये वाला पावर फैक्टर है, तो उसमें भी आपको मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट है। ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती और नॉइज भी रहती है। मतलब देखो, आप कम्युनिकेशन करोगे, लेट से हम दोनों बात कर रहे हैं, तो हम लोग जब बात कर रहे हैं दोनों फोन पे, तो ऐसा है क्या कि पूरी दुनिया में हम ही दोनों बात कर रहे हैं? वहां पे लाखों करोड़ों लोग हैं सेम टाइम पे बात कर रहे हैं। तो अगर सभी लोग सेम फ्रीक्वेंसीज पे ऑपरेट करने लग गए, तो सबके सिग्नल मैच करेंगे, नॉइज क्रिएट करेंगे। तो क्या हुआ, अपन ने हर एक आदमी को एक जोड़ी बना के दे रखी है कि भाई आप लोगों का जो मैसेज है वो इस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा, आपका इस फ्रीक्वेंसी पे जाएगा। तो अपन ने क्या रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, और वो कम पे पॉसिबल नहीं है, तो अपन मेगाहर्ट्ज पे, गीगाहर्ट्ज पे उसको हाई फ्रीक्वेंसी पे मैसेज ट्रांसफर करते हैं, और जब वो रिसीवर रिसीव करेगा तो लो फ्रीक्वेंसी पे हो जाएगा। तो दिस आर द रीजन। पहला है साइज ऑफ एंटीना, पावर ऑफ एंटीना एंड नॉइज। बिकॉज ऑफ दिस We use AF modulation to overcome this. अब modulation में क्या होता है, ध्यान से सुनो। modulation में अपन जैसे गोविंद को ट्रेन में, बस में, प्लेन में बिठा रहे थे, वैसे ही आपके पास मैसेज सिग्नल होता है या आपका मैसेज होता है। इस मैसेज को अपन कैरियर सिग्नल में डाल देते हैं। ये मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल में डाल देते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी होती है और ये फिर ट्रांसमिट होता है। ये फिर क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो अपने सिलेबस में क्या है, वी आर गोइंग टू स्टडी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अपन क्या समझेंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है समझो, ध्यान से देखना सर। हाँ बेटा। सर एक मिनट, प्रीवियस स्लाइड बता देना ना, ये सब आपके उसमें है, मैं आज की स्लाइड सेंड कर दूंगा, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देखो क्या होता, मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल पे सुपरइम्पोज किया जाता। सबका अलग टेक्निक है, FM करने का अलग है, PM, एक PM करके होता है पल्स मॉड्यूलेशन, उसका अलग है। अपने सिलेबस में सिर्फ AM है, सिर्फ AM है। तो क्या होता है, लेट से AM देख रहे हैं अपन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये मेरा मैसेज सिग्नल है। मैसेज सिग्नल इज AM साइन ओमेगा MT, और ये मेरा कैरियर सिग्नल है AC साइन ओमेगा सी टी। दिस इज मैसेज सिग्नल, ये मैसेज, ये कैरियर। क्या करते हैं,
अब इसको सुपर, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अपन एक नया सिग्नल बनाएंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, और वो ऐसे दिया जाता है एसी प्लस। इसके एम्पलीट्यूड में कैरियर है ना, कैरियर के एम्पलीट्यूड में इसको मर्ज किया जाता, कैरियर के एम्पलीट्यूड में इसको मर्ज किया जाता, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, और सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी में डाल के इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता। देखो नाम क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो जो कैरियर का मॉड्यूल, कैरियर का एम्पलीट्यूड होगा ना, उसी में मैसेज सिग्नल को एम्पलीट्यूड को मर्ज कर दो, मर्ज किया तो ये टाइप का सिग्नल बना। अब इसमें एसी को कॉमन निकालो, तो व्हाट वी विल हैव, वन प्लस एएम बाय एसी, एएम बाय एसी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, ठीक है। और इसी को अपन थोड़ा सा और बेटर कर, और अरे यार थोड़ा सा इशू हो गया, बैटरी बंद हो गई। चलो कोई ना कोई ना कोई ना, बस 5 मिनट का बाकी है, 5-10 मिनट का और बाकी है। आप लोग एक बार एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी खोल लो, अभी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग से रीडिंग करने लग जाओ। 2 मिनट दो यार, आज इसको खत्म कर देंगे, वापस नेक्स्ट डे पे नहीं अपने को रोकना। इंट्रोडक्शन से पेज 513 से स्टार्टिंग करो, पेज 513 से स्टार्टिंग करो।